आप देख रहे हैं आर भट न्यूज खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर आशीर्वाद यात्रा के दौरान पहुंचे लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का जनादेश मौजूदा मुख्यमंत्री को नहीं मिला है, लेकिन किसी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर जनता का जनादेश मिला रहता तो तीसरे नंबर की पार्टी जदयू नहीं बनती। जनता में आक्रोश है उनके नीतियों को लेकर। आगे चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा देखे इस रिपोर्ट में। 12 करोड़ बिहार वासियों का आशीर्वाद लेने मैं निकला हूँ। यह यात्रा हम लोग को पहले भी करनी थी। जिस तरीके से पिछले विधानसभा के चुनाव में लगभग 6% का समर्थन हम लोग को विधानसभा के चुनाव में मिला था, वो भी तब जब हम लोग 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर हम लोग पूरी की पूरी 200 तो ये 6% का मत 12 से 14% का होता और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसीलिए जिस तरीके से इस यात्रा में हम लोग को समर्थन मिल रहा है, एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगामी मध्यावधि चुनाव में, मैं इस बात पे मैं थोड़ा सा जोर डालकर बोलूंगा, आगामी मध्यावधि चुनाव में, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि लोकसभा से पहले बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, जिस तरीके से मौजूदा सरकार के सहयोगियों के ही बीच में एक टकरार देखने को मिल रही है और जिस तरीके से बिहार वासी पूरी तरीके से आक्रोशित है, भैया एक बात तो स्पष्ट है ना कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहारियों ने मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने जनादेश नहीं दिया था। अगर जनादेश दिया होता तो आज ये तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। अगर जनादेश दिया होता तो 50% से कम इनके विधायक नहीं हो गए होते। तो ये बात स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने का जनादेश 2020 नवंबर में जो चुनाव हुए थे, जो परिणाम आए थे, उसमें कम से कम इनको मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं था। पर उसके बावजूद परिस्थिति वर्ष बोले या किसी की आशीर्वाद प्राप्त की वजह से बोले, कारण जो भी हो, आज की तारीख में जब ये पुनः मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो जनता में आक्रोश है, नफरत करती है जनता इनकी नीतियों से। और इस बात का एहसास जहां जहां हम लोग जा रहे हैं उस बात का एहसास हो रहा है। सबसे बड़ी बात, दो जो बड़े बिंदु जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि भैया मेरा जीरो टॉलरेंस है क्राइम और करप्शन को लेकर, और बिहार अगर सबसे ज्यादा त्रस्त अगर किसी चीज से है तो वो क्राइम और करप्शन को लेकर ही है। बिहार में कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार में हत्या नहीं हो रही हो किसी ना किसी जिले में। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, लूटमार हो रहा है, जनप्रतिनिधि तक यहां पर अब सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से कटिहार में सिटिंग मेयर की हत्या कर दी गई, भैया इससे बड़ा क्या होगा दुखद, या इससे ज्यादा अपराधियों का मनोबल और क्या बड़ा होगा कि आप एक मेयर की आप दिन दहाड़े आप हत्या कर देते हैं, खुलेआम उनके सीने पे 3 गोलियां दाग देते हैं। और इसी तरीके से साल डेढ़ साल पहले वहां पर एक और मेयर की ऐसे ही हत्या हुई थी। जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी अनिल उमराव की अपहरण कर 2 दिन तक अपहरण करके रखा और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। हम लोग मिले थे महामहिम राज्यपाल जी से, उनके संज्ञान में हम लोगों ने पूरा विषय दिया है कि किस तरीके से अपराध से बिहार पूरी तरीके से त्रस्त है। इसमें जरूरी और जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही बनती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के वो गृह मंत्री भी हैं। और साथ ही में जो दूसरा दावा वो करते हैं, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, भाई अगर करप्शन की परिकाष्ठा अगर किसी प्रदेश में होगी तो बिहार में। बिहार में आप लोग भी सब साक्षी हैं, गवाह हैं, दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, क्या कोई एक सरकारी काम है जो बिना घूस दिए होता हो बिहार में? सिर्फ घूसखोरी, बिना घूस के कोई फाइल आपकी बाएं से दाएं नहीं जाएगी, कोई काम आपका नहीं होगा। तो क्या ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं दिखती? झूठे दावे उनसे करा लीजिए, झूठे वादे उनसे करवा लीजिए, साफ निश्चय भ्रष्टाचार की बिहार के इतिहास में आने वाले समय में जब जांच होगी तो ये दावे के साथ मैं कहता हूं बिहार के इतिहास में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में साफ निश्चय होगा। नल जल योजना हो, नली गली हो, भैया आप जाके देख लीजिए, जल जल